हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर को कैसे हमेशा के लिए परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। जी दोस्तों, कई बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि जब हम मतलब कि ब्लॉगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम एक ही ईमेल आईडी से कई ब्लॉगर जैसे बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो एक ही ईमेल आईडी से यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल अभी ज्ञानी न्यूज़ की एक वेबसाइट, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके, न्यू ब्लॉग पर क्लिक करके एक ही ईमेल आईडी से कई मैं ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब हम किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो हम ब्लॉगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक ही ईमेल आईडी से कई ब्लॉग मतलब कि बना लेते हैं। तो बाद में हमें जब अच्छे से सीख लेते हैं तो हमें याद होता है यार, फिर चेक करते हैं, जब हम जान लेते हैं पूरी जानकारी ब्लॉगर के बारे में हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हम सारे जो ब्लॉगर बनाए उसको डिलीट कर दें, सिर्फ एक ही जो प्रोफेशनल हम बनाए, जैसे कि मान लीजिए प्रोफेशनल जो अच्छे से आप डिज़ाइन करके बना चुके हैं, सिर्फ वही रहे और बाकी सारे जो हम एक ही ईमेल आईडी से बनाए वो डिलीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किसी भी ब्लॉगर को जो कि एक ही ईमेल आईडी से क्रिएट हैं तो आप उसको हमेशा के लिए परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, मैं माजिद महफूज और आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने ब्लॉगर को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे मान लीजिए ये ज्ञानी न्यूज़ कि जो मेरी वेबसाइट, मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, आप लोग दो तीन बनाए हैं तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि दो तीन बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेप पर है मेरी ग्यारह न्यूज़, अगर दो तीन बनाए होंगे तो स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने टेक्निकल माजिद बनाया है तो नीचे टेक्निकल माजिद की वेबसाइट आ जाएगी। तो मान लीजिए मुझे ग्यारह न्यूज़ की डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट और यहाँ पर ग्यारह न्यूज़ की जो भी पोस्ट है वो आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे हम परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है सेटिंग में, ठीक है। तो सेटिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग में आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि पहला जो ऑप्शन होगा बेसिक, दूसरा होगा पोस्ट कमेंट शेयरिंग, तीसरा होगा ईमेल, चौथा होगा लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, जो पाँचवा होगा वो होगा सर्च प्रेफरेंस, और जो छठवां होगा वो होगा आदर्श। तो सिंपली हमें चले जाना है, कुछ नहीं करना, आदर्श में चले जाना है। जैसे ही आदर पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा डिलीट ब्लॉग। जी दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर लिखा होगा डिलीट ब्लॉग, तो यहाँ पर रिमूव यू ब्लॉग लिखा होगा, उसके सामने यहाँ पर लिखा होगा डिलीट ब्लॉग। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप श्योर इसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने से पहले अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू डिलीट योर ब्लॉग डू यू वॉन्ट टू एक्सपर्ट इट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं मतलब कि फिर से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, सिंपली इसको डाउनलोड ब्लॉग पर क्लिक करके आप इसको पूरा जो डाटा आप उसको सेव कर सकते हैं, बाद में इसको आप किसी दूसरे ईमेल आईडी से या फिर इसी पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दो बटन दिखेगी, पहला जो क्लोज है, दूसरा जो रहेगा डिलीट दिस ब्लॉग। तो सिंपली डिलीट दिस ब्लॉग पर क्लिक करके आप इसको हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप डिलीट दिस ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लॉग होगा वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप कुछ उस प्रकार से अपने जो ब्लॉग है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।